केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड 2013 में लगभग 40 संशोधन करने जा रही है, जिसका बिल आज जो है संसद में पेश होने वाला है। लेकिन इसी के पहले हम मौजूद हैं उन लोगों के बीच में जो कि वक्फ के जानकार हैं। अगर हम बात करें तो भोपाल के बाद में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद में जो है बुरहानपुर में सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्ति है, और हम सीधे यहीं के लोगों से बात करने वाले हैं। पहले पत्रकार अकील आज़ाद जी से बात करेंगे, लंबे वर्ष से पत्रकारिता करते हैं और काफ़ी अनुभव है। सर, किस रूप में देखते हैं आप इस फैसले को? सरकार की मंशा अच्छी है, अमेंडमेंट हमेशा किसी भी मामले में होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उस अमेंडमेंट से वक्फ संपत्ति का आहित ना हो। कुछ अमेंडमेंट इसमें लाए जा रहे हैं जिससे वक्फ संपत्तियों की हिफाजत होगी, तो बेहतर है अगर इस तरीके से ही ये सरकार लेना चाहती है तो बहुत बेहतर है। ये कुल मिला के जो वक्फ संपत्ति पे अवैध कब्जे हो जाते थे, अब वो नहीं होंगे? देखिए, अमेंडमेंट अभी इसका पूरा ड्राफ्ट जब सामने आएगा तो उसमें पता चलेगा कि इसमें कितना जो अवैध कब्जे हो रहे थे उसको कितना संरक्षण मिल रहा है। अभी पूरा ड्राफ्ट सामने आने के बाद ही इस पर और अधिक कहा जा सकता है। हमारे साथ में अब बात करने के लिए है रियल एस्टेट के जानकार खालिक जी। किस तरीके से देखते हैं वक्फ बोर्ड के जो बदलाव हो रहा है वक्फ बोर्ड एक्ट में? वक्फ बोर्ड एक्ट में जो बदलाव हो रहा है ये तो अच्छी चीज़ है। बाकी जो बुरहानपुर ज़िले के अंदर वक्फ बोर्ड का जो दुरुपयोग होता है, वक्फ बोर्ड को हड़प लिया जाता है, उसको भिन्न भिन्न तरीक़ों से खरीदी बिक्री कर दी जाती है, ये वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ ऐसा कानून इसमें बनना चाहिए जो संशोधन हो रहा है कि इसका दुरुपयोग ना हो। चलिए, हमारे साथ में है तफजुल हुसैन मुलायम वाला जी, कांग्रेस के अच्छे वक्ता है। सर, किस रूप में देखते हैं आप इस केंद्र सरकार के फैसले को, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव होने जा रहा है? केंद्र सरकार ने जो ये नियम लेके आई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम बहुत विरोध करते हैं, और कांग्रेसी जो मेरे से भी वरिष्ठ लोग हैं वो भी इसका दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं होना चाहिए, इसकी जो आय वगैरह आती है उसमें गरीबों में, बेवाओं में सब जगह बट्टी है। हाँ, ये बात सही है कि जैसा इसका जो वक्फ बोर्ड का जो ठेकेदार लोग और जो ज़मीन, मतलब जो ज़मीन के जो काम करते हैं, वो उस जगह को कब्ज़ा ना करें और ना बेचें, नहीं तो बहुत अच्छा है। ये बरसों से बनाया हुआ वक्फ बोर्ड का कानून है, उसको एज इट इज ही रहना चाहिए। कुल मिला के ये अब जो फैसला है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए विरोध करेगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा विरोध करेगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ने फैसला लिए अपना हित देख के लिए, पब्लिक का हित नहीं देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में बात करने के लिए वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष है बुरहानपुर के, हम बात करेंगे। आप किस रूप में देखते हैं वकील साहब? गवर्नमेंट का ये जो बिल है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे मुस्लिम समाज को नुकसान ही होना है। जो इसके अंदर अलग अलग अनुच्छेद हैं उनके अंदर ये दिया हुआ है कि वक्फ बोर्ड के संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा, उसकी मालिकी साबित करना होगी, ये बहुत नामुमकिन है, और जो नहीं कर पाएंगे उसको सरकारी ज़मीन घोषित कर दी जाएंगी। तो ऐसे तो कई वक्फ प्रॉपर्टी हैं जो मुग़लों के टाइम की है, नवाबों की दी हुई है, उनके कागजात उपलब्ध कराना तो मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा जो भू माफिया हैं उन लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए, उसकी वो कई केस चल रहे उसमें भी इसी बात के ऊपर उनके फेवर में ये हो जा रहा है कि उनके पुराने कागजात नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार का बिल लाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे मुस्लिम समाज में बहुत रोष है और इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। तो फिलहाल मुस्लिम कम्युनिटी के उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि ये बिल कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो है हानिकारक साबित होगा, जबकि कुछ लोग इसका पक्ष के अंदर है। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BN News के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश रजा खान, BN News मीडिया बुरहानपुर।